बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहु। मैं अय्यूब रज़ा अशरफ़ी, आप देख रहे हैं नूरानी अमल चैनल। देखिए, आज जो मुकम्मल तरीक़ा परी की हाजरात का, मैंने आपको हाजरात की बहुत से तरीक़ेकार हैं उस पर वीडियो बना के डाल दी है, लेकिन असल मसला ये था, मेरे पास मैसेज ऑल आ रहे थे कि हज़रत जो है मुझे परी की हाजरात का, लड़की पर हाजरात का कोई मुकम्मल तरीक़ा बताएँ। तो मैं वही हाजरात का मुकम्मल आपको तरीक़ा बताने वाला हूँ एक हाजरात का, ये हाजरात कैसे की जाती है बहुत ही बारीकी से, और मैंने इसकी ज़कात का तरीक़ा पहले डाल दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ से जाके वो वीडियो देख लें इंशाल्लाह ताला, वहाँ से ज़कात निकाल कर और वो भी अमल काम में ले सकते हैं। लेकिन असल चीज़ क्या है कि हाजरात का सही तरीक़ा मालूम हो तो इंशाल्लाह ताला, जैसा कि मेरे हाथ में इतर है और कुछ अगरबत्तियाँ हैं, उसके बाद में जो लड़की पर हाजरात खोलनी है वो ये है। तकरीबन इनकी उम्र जो है 13 साल के लगभग होगी। आप इधर आ जाएँ, आओ इधर बैठो, ठीक है। अब इंशाल्लाह ताला जो हाजरात का सही तरीका क्या है, आप जानवाज बिछा लें किबला रुख होके, ठीक है। आमिल जो है जानवाज पे बैठे और जिस पर हाजरात खोलनी है वो भी जानवाज पे बैठे, ठीक है। तो आपको मुकम्मल तरीक़ा मैं हाजरात का बता रहा हूँ। सबसे पहले आप जो है अगरबत्तियाँ अच्छे से जला लें, जैसा कि मेरे पास अगरबत्तियाँ हैं ये, और मैं इनको जला लेता हूँ ताकि हाजरात में, असल में इसमें क्या है, खुशबुओं का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करें वही बेहतर है, क्योंकि खुशबू जो है मोकलिन की गिजा होती है, यानी खाना होता है। तो मैं इंशाल्लाह खुशबुओं को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ ताकि हाजरात खोलने में आसानी हो जाए। इसका तरीक़ा बारीकी से समझ लें ताकि कोई भी गलती ना हो, क्योंकि ये हाजरात का अमल होता है, बहुत रुखशी होता है, कोई आसान अमल नहीं होता है। तो मैं सबसे पहले जो है अगरबत्तियाँ सुलगा लेता हूँ, उसके बाद जो है जो अमल पढ़ने का है वो भी आपको बताता हूँ। जैसा कि मैंने ये अगरबत्तियाँ यहाँ पर ले ली हैं, आप जितनी चाहें खुशबू के वक्त, यानी खुशबू के लिए उतनी अगरबत्तियाँ ले लें। यहाँ पर 4 अगरबत्तियाँ हैं जो मैंने ली हैं, इनको जला के रोशन करके जितनी खुशबू हो उतनी बेहतर है। अब जो मेरे पास इत्र है अच्छी क्वालिटी का, ये मेरे पास गुलाब का इत्र है, आप जो खुशबू अच्छी हो वो इत्र ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में हाजरात का खोलने से पहले आप जो है अपने ऊपर, यानी आमिल खुद अपने ऊपर, जैसे कि मैंने और भी वीडियो में बताया है, अपने ऊपर और जो इस पर हाजरात खोलनी है, बच्चा या बच्ची है, उसके ऊपर अच्छी तरीके से इत्र लगा ले। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने तरफ से अच्छी तरीके से इत्र लगा लेता हूँ अपने ऊपर, यानी खुद आमिल इत्र में मुअत्तर हो जाए ताकि खुशबू ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो सके, ठीक है। अमल में क्या है, खुशबू का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना बेहतर है। ये लें, आप सबसे पहले इत्र लगा लें अच्छी तरीके से, दोनों हाथों पे मल के अपने हिजाब पर इस तरीके से इत्र लगाएं ताकि खुशबू में अच्छी तरीके से लग सके आपके कपड़ों में, ठीक है। अच्छा, खुशबू हमने लगा ली है, अब सही तरीका क्या है हाजरात खोलने का। देखिए, सबसे पहले आप जो है बच्चे पर 11 बार या 3 बार या 7 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ें, या दरूद कोई भी दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो मैं 3 बार जो है दरूद इब्राहिमी पढ़ लेता हूँ, आप जो है 11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ें। मैं 3 बार पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं इसका आमिल हूँ। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बच्चे की आंखों में दम कर दें हाजरात खोलने से पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुल मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुल मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुल मजीद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुल मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुल मजीद। यानी हमने जो है बच्ची के आंखों में अच्छी तरीके से दरूद शरीफ पढ़ कर दम कर दिया है। अब बच्चे से ये अल्फाज जो है कहलवाएं जो मैं कहने वाला हूँ, ठीक है। यानी बच्चे से ये मैं अल्फाज कहलवा रहा हूँ, ये अल्फाज आप भी बच्चे से कहलवाएं। आप आंखें अच्छी तरीके से बंद कर लें और आंखें बंद करके मुंह से जवाब देना, ठीक है, आंखें नहीं खोलना। अब जो हम आपको अल्फाज कहलवा रहे हैं वो अल्फाज दोहराओ, ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं। कहें, या अल्लाह अपने नूर से रोशनी अता कर, या अल्लाह अपने नूर से रोशनी अता कर, रोशनी अता कर, अता कर, या अल्लाह अपने नूर से रोशनी अता कर। हाँ, अब इस तरीके से आप बच्चे पर जो अमल पढ़ने का है वो आप अमल बता पढ़ें, ठीक है। जैसे मैं अमल पढ़ रहा हूँ,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह खुसूसी अमल है, मैंने इसका तरीक़ा अपलोड कर दिया है। जो कहें कि अमल आपने पढ़ के नहीं बताया, मैंने तरीक़ा बता दिया है, आप उस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये अमल खोल सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से पढ़ के नहीं बताऊँगा आपको वीडियो में, जैसा कि मैं पढ़ के बता रहा हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ बताएं, आपको पूछना था आया, आँख बंद कर ले अच्छी तरीके से, ठीक है, बताओ नजर आया क्या? नजर आया परी नजर आई। हमने बच्चे से कहलवाया नहीं है, बच्चे ने खुद कहा है। क्या आई, तेज बोलो थोड़ा। परी आई, परी नजर आई। ये बहुत ही मुजर्रब अमल है, बहुत ही बाकमाल अमल है। हमें सिर्फ आपको तरीका समझाना था, ठीक है, हमें सिर्फ जो है आपको तरीका समझाना था हजरात का, हमें इससे अभी कोई काम लेना नहीं है। तो कहें अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, जवाब आया उधर से। अब कहें कि हमें आपके दीदार की ख्वाहिश थी, हमें आपकी दीदार की ख्वाहिश थी, वो हमने आपकी ज़ियारत कर ली, अब इंशाल्लाह हम आपसे अलविदा चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकअल्लाह खैर। ठीक है, हो गया रोशनी वगैरह हो गई, सब मैदान वगैरह सब गायब हो गया, ठीक है। हाँ, अब जैसा कि हमने इसमें आपको सिर्फ इसका तरीक़ा समझाया ताकि आप अमल में कोई भी गलती ना करें, सबसे पहले की बात क्या है, बच्चे पर जितना खुशबू का इस्तेमाल करें वो बहुत बेहतर है, और जितनी आपको दरूद शरीफ कसरत से पढ़ें उतना बेहतर है। अगर एक बार में हाजरात का अमल नहीं खुलता तो आप इसी तरीके से हाजरात आप तीन बार खोलेंगे। ये बहुत ही मुजर्रब अमल है, मैंने इसकी वीडियो अपलोड कर दी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर वो वीडियो ज़रूर देखें, वहाँ से इस अमल को कर लें, ठीक है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, जज़ाकअल्लाह खैर। Thank you.